नमस्कार, आप सभी का हमारे यूपी रेस चैनल में स्वागत है। दर्शक, मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर ज़िला में और मैं इस वीडियो में आप सभी को दर्शक इस वक्त जो यह घोड़ा दिखाने जा रहा हूँ, इस घोड़े के ओनर से अभी आपको मिलाऊंगा। यह घोड़ा सेल इन बिक्री में है, जिस भाई को लेना है आप इस घोड़े को ले सकते हैं। और मैं इस वीडियो में ख़ास तौर से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक नई रेस कराई जा रही है, जिसका मैं डेट और नाम एड्रेस पता जो रेस कराई जा रही है उसका अस्थाई रूप से बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं आपको बता दूं घोड़े को क्या दाम प्राइज मांग रहे हैं, सेल एंड बिक्री कर रहे हैं, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दर्शक मिलेगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो अभी हमारे दर्शक आप देख रहे हैं कि घोड़े के मालिक हमारे पास मौजूद हैं। तो दादाजी, आप अपना परिचय हमारे दर्शक को बताइए, अपना नाम एड्रेस बता। मेरा नाम मास्टर शाह सईद अहमद है जी। मैं रसूलपुर कंधवारा का रहने वाला हूँ जी, ज़िला गाजीपुर थाना नौनहरा जी, है ना, यहाँ का रहने वाला हूँ जी। दादा, मैं सुना हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे आपका पहले जन्म जी था। हाँ, मेरा जन्म 10/10/1935 को हुआ जी, और देश आज़ाद हुआ 1947 में जी। जी, उस टाइम भी आपके पास घोड़ा था? बिल्कुल घोड़ा था, उससे बहुत पहले से घोड़ा था जी। 1910 में मेरे दादा गए थे हज करने के लिए जी, जब आए तो उन्होंने घोड़ा खरीदा जी। जी, घोड़ा खरीदा जी। जी, उस टाइम आप लोगों को घोड़े के बारे में कुछ जानकारी थी या ऐसे? बिल्कुल थी जानकारी, ऐसे रखने की वजह से भी थी जी। और दूसरे, घोड़ों की एक किताब होती है सालोत्र बोलते हैं जी, जी वो किताब मेरे पास थी, उर्दू और हिंदी दोनों में जी, तो उसको देखते भी थे जी। जी, अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम मास्टर शाह सईद अहमद जी। आप मास्टर थे जी? अच्छा, तो उस टाइम घोड़ों का ये जो आज की डेट में चल रहा है घोड़दौल जैसे जी, हाँ ज़्यादा, अब तो रेस की मायने जो है बहुत ज़्यादा हो गई है जी। हाँ, तो उस टाइम आप रेस उसका शौक रखते थे? ऐसे उस जमाने में रेस बहुत कम होता था, जैसे बलिया हो, ब्रह्मपुर हो जी, ये मंत्री जी ने कराया था एक रेस दिल्ली में जी, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ से भी शील्ड लेके आया जी, पटना से भी लेके आया जी, ब्रह्मपुर से भी लेके आया, बलिया से भी, लगातार 3 साल फर्स्ट की शील्ड लिया। अच्छा, रेस आप उस टाइम खेल रहे थे जी? हाँ। अच्छा, कौन घोड़सवारी उस टाइम कर रहे थे सवार कोई? मैं खुद कर रहा था। अच्छा, आप कर रहे थे जी? हाँ, और कभी कभी जब बुलाता था तो अजीम सवार को इलाहाबाद से बुलाता था। अच्छा, आपके घर वो आते थे बैठने के लिए? हाँ, बहुत अच्छे कलाकार अजीम सवार। हाँ, सिंधी का सबसे टॉप हिंदुस्तान का सवार था जी। इस टाइम भी आप अपने घर घोड़ा रखे हुए हैं? जी हाँ, घोड़ा है हमारे पास, घोड़ा तो है। तो क्या अब इस टाइम रेस का शौक वोक लगा है कि? रेस का शौक है लेकिन अब खुद नहीं चढ़ पाते जी, किसी सवार की मोहताजी रहती है जी। जी हाँ, कहाँ कहाँ से सवार इस टाइम बुलाते हैं आप? सवार हमारे यहाँ बैजनाथ आते हैं पटना जी, के जी, फिर कुंवर आते हैं ये सिदागर घाट के जी। दर्शक की 17 फरवरी 2024 को ग्राम 12 थाना गामर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में घोड़ों का घोड़दौल प्रतियोगिता कराया जा रहा है और आप सभी अपना घोड़ा लेकर उस रेस में पहुंचने का भी प्रयास करें। नई रेस कराई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस घोड़े को सुने कि आप सेल एंड बिक्री में रखे हुए हैं, अगर कोई आ जाएगा अच्छा खरीदार जी तो बेचेंगे? क्या कीमत रखे हुए हैं इस वक्त? इसकी कीमत 2 लाख रुपये। 2 लाख मांग रहे हैं। क्या उम्र में होगा लमसम? 4 दांत है। 4 दांत चाल में तो चौताला फुल बढ़िया चल रहा है जी। हाँ, फुल चौताला। घोड़सवारी में ही कर रहा हूँ, दर्शक देख भी रहे होंगे, इसमें वीडियो हम दिखाएंगे जी। तो कुछ बताइए उस टाइम के घोड़ों का क्या खान पान का डाइट था, जैसे कि पहले? हाँ, कि जो तंदुरुस्तियों की शरीर में बना रहता था जी। हाँ, उस वक्त चना दिया जाता था, भूसा दिया जाता था, जौ जी, बाजरा जी, फिर दूध दिया जाता था, घी दिया जाता था, कैल्शियम दिया जाता था जी, कड़ुआ तेल 1 हफ्ते में 1 पाव दिया जाता था जी। जी हाँ, 2 किलो से कम दूध नहीं, 3 किलो 4 किलो तक दूध डेली दिया जाता था जी। आज भी इस घोड़े को 2 किलो डेली देते हैं जी। मालिश वालिश कितने घंटे होती थी उस टाइम? मालिश जी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम जी, दोनों टाइम मालिश चलता था जी। हाँ, एक आदमी करते थे कि दो आदमी? दो आदमी। अच्छा,
तो अब पहले से और अब में कितना फर्क हो गया घोड़ों के अंदर पावर या घोड़बाजों के लिए? बहुत मतलब फर्क, जो बैठकी बहुत है, फर्क हो गया है। जी जी हाँ, पहले के सवारों में आपके सवारों में क्या देखने के लिए आपको मिलता है? पहले सवार कभी कोई कीमत नहीं कहता करता था, जो भी दे दिया जाए खुशी से लेकर के, कपड़ा दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था, जी लेकर के खुशी से जाता था। चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा आप इतनी जानकारी बताए। आपके पीछे आपके वो कौन बैठे हैं, भाई साहब हैं कि? हमारे छोटे भाई हैं। और बगल में वो भी छोटे भाई हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका, पीछे वाले का? पीछे वाले का नाम शमीम अहमद है जी, और इधर वाले का नाम अजीज अहमद है जी। 17 फरवरी को रेस कराई जा रही है जो 12 में, जी हाँ, पहुँचेंगे अपना घोड़ा लेकर? बिल्कुल पहुँचेंगे। चलिए, हमारे सवार साहब की मेहरबानी होगी तब। जी जी, तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे दर्शक को, जो आपसे संपर्क करें और आपका घोड़ा ले सकते हैं। 96 जी, 70 जी, 10 जी, 16 जी, 58 जी। फिर से एक बार बोलिए, 96 जी, 70 जी, 10 जी, 16 जी, 58 जी। तो अब ये इस घोड़े को आप सेल कर लेंगे तो फिर लाएंगे कि नहीं? बिल्कुल लाएंगे, लाएंगे फिर। बिल्कुल, जज्बा उतना ही है, शौक उतना ही लगा हुआ। देखिए, मरते दम तक आस रहेगी घोड़ों के जी, और घोड़ों ही को देख करके प्यास बुझती है। जैसे 5-6 घोड़े मरने के बाद भी जी घोड़े का शौक कम नहीं। अच्छा, कितने घोड़े आपके मर गए? 5 घोड़े लगातार 2 साल में मरे हैं। अच्छा, ये लमसम आप कितना घोड़ा रख चुके होंगे? ये गिनती तो नहीं बता पा, गिनती नहीं। लमसम आपकी उम्र कुल कितनी इस टाइम हो गई होगी, आपकी जो एज है? हमारी उम्र 85 साल, 87 साल। 87 साल चल रहा है जी। अच्छा, अभी आगे तक अगर जीवन अच्छा से बना है शरीर में जी, तो आगे तक अभी घोड़ा रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो इस टाइम आप पढ़ाते हैं कि छोड़ दिए हैं? जी नहीं, रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए, कितने साल हो गए? रिटायर हुए मैं 98 में हुए। अच्छा, पेंशन उसे मिलता होगा? जी, पेंशन मिलती है। चलिए ठीक है, अपने जज्बा को कायम रखिए। आप इस टाइम क्या देते हैं इस घोड़े को, डाइट, खान पान, सुबह शाम? इस टाइम घोड़े को ये चना देते हैं, बाजरा देते हैं जी, ये जौ देते हैं, चोकर देते हैं जी, दूध देते हैं जी। तो आप एक तरफ से घुड़सवार भी थे और एक तरफ से मालिक भी हैं? आज की डेट में आपका ये जो शरीर काम नहीं कर रही है तो आप सवार बैठा रहे हैं? घुटना दोनों मजबूर हो गया है। तो थोड़ा घुड़सवारों के लिए भी थोड़ा ये नियम बता दीजिए, कैसे कैसे घोड़ों को पहले शुरुआत करना चाहिए दौड़ाने के लिए, अगर फील्ड में ले गया तो फिर कैसे उठाना चाहिए? हाँ, सबसे पहले घोड़े को जब फील्ड में ले गया तो पहले कदम चलाना चाहिए धीरे धीरे, उसके बाद कुछ तेज रफ्तार करना जी, उसके बाद कुछ तेज, 2-3 चक्कर के बाद तब उनको स्पीड देना, जितनी फुल स्पीड है उतना पकड़ाना चाहिए। लमसम कितना घोड़े को अगर माना जाए तो खेदना चाहिए, दौड़ाना चाहिए? बस यानी इस वक्त पीरियड कितनी देर तक? हाँ, आधा घंटा, 32 मिनट, 35 मिनट, बस 35 मिनट से ज़्यादा नहीं जी। मतलब सब धीरे धीरे उठाते बनाते में मतलब 20-25 मिनट हाँ बहुत है, है? जी, जी, उसके बाद छोड़ दिया जाए कि घोड़ा कायम बचा रहे, उसकी पावर क्षमता जो है अंदर रहे, उसके थक जाएगा, भर जाएगा तो एक परेशानी बढ़ जाएगी जी, और फिर वो काम नहीं करेगा जी। अगर उसकी थकान को अगर बात करें तो कैसे उसकी थकान दूर करना चाहिए, क्या उसको मतलब? उसकी थकान दूर करने के लिए गुड़ है, फिटकरी है, हल्दी है जी, ये सब दिया जाता है। तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे, मतलब गुड़, हल्दी, फिटकरी, सब एक ही में मिक्सिंग करेंगे उसको? मिला देंगे, मिलाने के बाद रख देंगे वो घोड़ा अपना, तो ये है कि बढ़ा दीजिए तो खुद लेके खा जाता है जी, है ना। वैसे घोड़े को रखेंगे तो गुड़ रहेगा, इसलिए धीरे धीरे वो खाते रहेंगे। अगर इस टाइम जो आप घोड़ा इस टाइम रखे हुए हैं, अगर इसका बात करें तो ये कौन सा नस्ल में आएगा? इस टाइम यहाँ सिंधी में आएगा। हाँ, यही बोलना। हाइट लमसम इसकी तो हिसाब से लग रहा है कि 58 इंच होगा? 58-59 है। अच्छा, तो घोड़ा का अभी तक ये मसला चलता रहा, आगे तक अगर अच्छा से रहें आप तो चलता रहेगा और रेस में चलेंगे आप? बिल्कुल चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और हमारे दर्शक को भी जानकारी अच्छी लगी। आगे उम्मीद है कि ऐसा ही आपका जीवन और सफल रहे और घोड़ा रखते रहें, सेल एंड बिक्री करते रहें और आगे मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।